मेलोडी स्ट्रिंग्स को देखने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आवाज मेरी, डायलॉग बॉलीवुड का, इसका सातवां एपिसोड लेके आपके सामने हाजिर हूं। एपिसोड सिक्स्थ में जो हमने आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब देने के लिए मैं ज्योत्सना जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। ज्योत्सना जी, आपको बहुत बहुत मुबारक। जी हां, वो फिल्म फूल और पत्थर से था और अदाकारा थी, जैसा ज्योत्सना जी ने मेंशन किया है, ट्रेजडी क्वीन बोलते थे जिसको, मीना कुमारी जी। फूल और पत्थर धर्मेंद्र के कैरियर की एक माइलस्टोन थी, जिससे धर्मेंद्र के कैरियर को बहुत ऊंची उड़ान दी। फूल और पत्थर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे ओपी रलन साहब, जो खुद एक एक्टर भी थे और इस फिल्म में भी उन्होंने काम किया। एक कॉमेडियन का धर्मेंद्र के दोस्त का रोल किया है इस फिल्म में। धर्मेंद्र का रोल जो था वो एक चोर का होता, शाका, और चोरी करने के लिए वो एक बार मीना कुमारी के घर में घुसता है। वो वहां बीमार पड़ी होती है तो उसकी रात भर सेवा करता है वहां पे। और जो मैंने आपको वो सीन दिखाया है, वो फिल्म का आखिरी सीन है जिसमें धर्मेंद्र को चोरी का इल्जाम लगता है, मगर मीना कुमारी जैसा आपके सामने गुहार लगाती है, जो सीन था। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने पहली बार कपड़े उतारे थे, अपनी बॉडी दिखाई थी, जेट बॉडी, जो बाद में सलमान खान साहब क्या करते थे वो धर्मेंद्र ने इस फिल्म में किया हुआ। मैं अब वो शॉट आपको दिखाने जा रहा हूं उस फिल्म फूल और पत्थर का, उसके बाद आगे बात करते हैं। सजा दिलाना चाहते हैं, अगर यह आदमी बुरा है जिसके घर में मेरी इज्जत मेरे अपने घर से ज्यादा महफूज रही, तो घर की बहू पर बेटी और माँ कहकर अत्याचार करने वाले इससे भी बुरे हैं। जैसे आप इस बच्ची को देखी, इन मोहल्ले वालों से पूछिए, इंस्पेक्टर साहब से पूछिए, अपनी जान पर खेल कर इस मासूम बच्ची को आग से निकाल कर लाने वाला यही था। जैसे अगर ये बुरा आदमी है तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे बुरा आदमी हजारों हजारों बार रोज पैदा करे, ताकि ऐसी मासूम बच्चियों और मुझ जैसी मजलूम औरतों की जान और इज्जत बच सके। जैसा क्या एक्ट्रेस थी मीना कुमारी, सुपर्ब एक्टिंग, नेचुरल एक्टिंग। और ये फिल्म भी धर्मेंद्र के साथ साथ मीना कुमार की भी शानदार एक्टिंग के कारण बहुत ज्यादा हिट हो गई थी। तो अब चलते हैं आज के डायलॉग, देखिए। आशा जी चाहता है इन हाथों को जलाकर राख कर दूं जिन्होंने मुझे कलाकार बनाया, ताकि दुनिया वाले सबक सीख लें, जब खेतियां लहलाती है तो काट दी जाती है, फूल जब खिलते हैं उन्हें तोड़ दिया जाता है, और मोहब्बत जब जमा होती है उसे रौन दिया जाता है, उसे रौन दिया जाता। तो ये आज का डायलॉग था। आपको बताना है ये किस कलाकार पे फिल्माया गया था और फिल्म का नाम। नमस्कार।